हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको सच्ची घटना पर आधारित वर्ल्ड वॉर टू के सबसे छोटे सिपाही की कहानी बताने जा रहा हूँ। मूवी का नाम सोल्जर बॉय है। फिल्म रूस में शुरू होती है, जहाँ एक परिवार नदी के किनारे बैठकर अपने समय का आनंद ले रहा है। उनमें से सबसे छोटा सगे एलोशिकोव अपने बड़े भाई और माँ को बताता है कि वह एक पेड़ के ऊपर है। अचानक जर्मन लड़ाकू जेट ऊपर की ओर उड़ते हैं। माँ अपने बच्चों को जल्दी से झाड़ियों में छिपने के लिए कहती है, लेकिन 6 साल के बच्चे का दावा है कि वह डरता नहीं है और जेट को गुलेल से मारता है। हर किसी को आश्चर्यचकित करके वह जेट विमानों को हिट करके और उन्हें विस्फोट करने में सफल होता है। लेकिन जब उसने इधर उधर देखा तो उसका परिवार गायब था। सगे सपने से भयभीत होकर उठता है और अपनी माँ को बुलाता है। तभी उसके दरवाजे पर कोई आता है। वह उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन एक पड़ोसी महिला घबरा कर आती है। वह उसे जीवित रखने के लिए भगवान का धन्यवाद करती है और उसे बताती है कि उसकी माँ और भाई मर चुके हैं। छोटा लड़का नहीं समझ पाता कि वह क्या कह रही है और अपनी माँ की प्रतीक्षा करने के लिए घर में ही रहना चाहता है। महिला उसे बताती है कि जर्मनों ने उन पर हमला किया है और अब उसे भागना होगा। तभी कुछ सिपाही उनके घर पहुँचते हैं। महिला सगे को खिड़की से बाहर भगा देती है, लेकिन महिला के भागने से पहले ही उसे गोली मार दी जाती है। 6 साल का छोटा बच्चा अब अकेला है, जिसका कोई परिवार और दोस्त नहीं है। जैसे ही सगे घर से भागता है, वह देखता है कि उसका पूरा पड़ोस उसके पीछे जल रहा है। वह अपनी माँ को पुकारता है और वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर चलने के बाद वह जंगल के बीच पहुँच जाता है। छोटा बच्चा अपनी माँ को बुलाने और उसे वापस आने के लिए पुकारने लगता है, क्योंकि वह खो गया है। उस रात वह जंगल में रहता है। अगली सुबह हम उसे एक नदी से पानी पीते हुए देखते हैं, जब दुश्मन सैनिक वहाँ आ जाते हैं। सगे ये जानते हुए कि वे खतरनाक हैं, जल्दी से एक पेड़ की जड़ों के अंदर छिप जाता है। सांप के पास आने पर वह चौंक जाता है, लेकिन एक शब्द नहीं बोलता है। सगे को सांप से ज्यादा सैनिकों से डर लगता है। सैनिक नदी के किनारे खाते हैं और चले जाते हैं, जिसके बाद सगे उनका बचा हुआ खाना लेता है और रात के लिए रख लेता है। लेकिन दिन के अंत तक छोटा लड़का थक जाता है। उसने 2 दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया है और बिना किसी ठिकाने के चल रहा है। लंगड़ाते हुए वह नीचे गिर जाता है, लेकिन चलना नहीं छोड़ता। रास्ते में वह जंगली जामुन देखता है और उन्हें खाता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक विस्फोट होता है जो डरा देता है। लड़के को चक्कर आने लगते हैं और उसे अपने पीछे किसी व्यक्ति के आने का भ्रम होने लगता है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी वह बहादुरी से खड़ा होता है और उस व्यक्ति को बताता है कि उसके पास राइफल है और वह डरा हुआ नहीं है। वह आगे लंगड़ाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाता है। जब वह सो रहा होता है, 2 सिपाही उसके पास आते हैं। दृश्य रूसी सेना के अड्डे पर दिखाया जाता है, जहां कमांडर कुज़नेत्सोव अपने गश्ती सैनिकों की प्रतीक्षा करता है। वे छोटे बच्चे के साथ अंदर आते हैं, जो घायल और कमजोर है। जब सैनिक उसे कहते हैं कि वे उसके साथ हैं, तो छोटा लड़का खुलकर बोलता है और अपना परिचय देता है। जब बच्चा कमांडर से हाथ मिलाता है तो सैनिक हंसते हैं। सैनिक उसे अपना परिचय भी देता है। सैनिक छोटे बच्चे के साथ अच्छा महसूस करते हैं और उसे घेर लेते हैं। वे उसे पानी पिलाते और खिलाते हैं। कमांडर भी बच्चे की देखभाल करता है। कात्या नाम की एक नर्स सगे के घावों को ठीक करती है। बच्चा उसे अपने घावों पर एक टेंट बनाने के लिए कहता है, क्योंकि वह बड़ा होकर एक सैनिक बनना चाहता है। घायल सैनिक भी बच्चे से बात करते हैं और अच्छा महसूस करते हैं। सगे कमांडर की बंदूक और उसके बैच से मोहित है। कमांडर भी छोटे लड़के के सभी सवालों का जवाब देता है और गोलियां निकालने के बाद उसे अपनी पिस्तौल से खेलने देता है। सगे उसे अपने पेट पर बने टैंक को दिखाता है और खुद एक सैनिक होने का दावा करता है। लड़का बहुत जल्दी ठीक हो रहा है। नर्स कात्या कमांडर से लड़के को बटालियन के साथ रहने देने के लिए कहती है, लेकिन वह असहमत है। ये दावा करते हुए कि यह सुरक्षित नहीं होगा, वह सगे को एक अनाथालय भेजना चाहता है। सैनिकों ने अपना सारा खाली समय सगे के साथ बिताया। दिन भर कई सैनिक उससे मिलने आते हैं। वे उसके लिए अपने परिवारों द्वारा भेजा गया खाना लाते हैं और यहाँ तक कि उसे अपनी दूरबीनों से खेलने देते हैं। एक दिन एक सैनिक कमांडर के पास जाता है कि वह लड़के को बटालियन के साथ रहने दे। सैनिक बच्चे के साथ गहरा संबंध बना चुके हैं और उसे अपना मानते हैं। उसकी उपस्थिति युद्ध के भार को उनके सीने से उतार देती है। लेकिन कमांडर उसकी सुरक्षा के लिए लड़के को अनाथालय भेजने पर अड़ा हुआ है। अगले दिन दुश्मन हमला करते हैं और कई सैनिक घायल हो जाते हैं। सगे को अनाथालय ले जाने के लिए एक वाहन आता है। कमांडर बच्चे को खबर देता है और उसे गिफ्ट के रूप में एक लकड़ी की पिस्तौल देता है। लड़का बदले में उसे गले लगाता है और कहता है कि वह कमांडर की सुरक्षा के लिए डरा हुआ है। कमांडर उसकी बातों से पिघल जाता है और अपना मन बदल लेता है। वह सगे को सैनिकों के साथ अपने बेटे के रूप में रहने के लिए कहता है। उस रात सैनिक छोटे लड़के के लिए छोटे सैनिक कपड़े बनवाते हैं। सगे को अपने साथ रखने के लिए वे बहुत खुश हैं। सेनापति सगे को जगाता है और उसे कपड़े देता है। वह उन्हें पहनता है और एक असली सैनिक की तरह इधर उधर भागता है। दूसरे लोग उसे अपना छोटा सोल्जर बॉय कहने लगते हैं।
जैसे ही बच्चा इधर उधर भागता है, जर्मन बटालियन हवाई हमला करते हैं। सैनिक जल्दी से सगे को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं और दुश्मनों से लड़ते हैं। घायल सैनिकों की संख्या तेजी से बढ़ती है। सगे खुद को उपयोगी बनाना चाहता है, इसलिए वह प्यासे सैनिकों के लिए पानी लाता है। उनमें से एक ने उसे अपने परिवार द्वारा भेजे गए एक पत्र को पढ़ने के लिए कहा, क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। छोटा लड़का मदद करना चाहता है लेकिन पढ़ना नहीं जानता। वह पत्र लेता है और उस पर लिखी बातों को बनाने लगता है, ये कहते हुए कि सैनिक की गाय घर पर सुरक्षित है। जब सिपाही कहता है कि उसके पास गाय नहीं है, तो दूसरे सैनिक हंसते हुए कहानी को जारी रखने के लिए कहते हैं। वह उसी अंदाज में बाकी सभी के पत्र पढ़ता है और उन्हें खुश करता है। अगले दृश्य में हम कात्या और कमांडर को बात करते हुए देखते हैं। ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं करते। बाद में सगे कमांडर को बताता है कि वह बटालियन में अर्दली पोजीशन का है और खुद को सैनिक के रूप में पेश करना शुरू करता है। लड़का हमले से नष्ट हुए सैनिकों में से एक को देखता है। कमांडर उसे मृत सैनिक को सम्मान देने के लिए अपनी टोपी उतारना सिखाता है। अगले दिन वह जोर देकर कहता है कि कमांडर उसे एक मिशन दे और उसे सैनिकों के बीच पत्र बांटने का काम दिया जाए। वह अपने कार्य को कुशलता से पूरा करता है और यहाँ तक कि सैनिकों को उसके लिए नचाता भी है। अगले दिन सगे अपने दूरबीन के साथ बेस से थोड़ी दूर चला जाता है। जब वह इसके साथ खेल रहा होता है, तो वह किसी के पैर को घास के ढेर के अंदर से हिलता हुआ देखता है। वह वापस बटालियन में जाता है और सैनिकों को अपनी जांच के बारे में बताता है। सिपाहियों को यकीन नहीं है, लेकिन फिर भी लड़के के साथ जाते हैं। जब वे घास के ढेर के पास पहुंचते हैं, तो वे सतर्क हो जाते हैं कि दो जर्मन जासूस नीचे छिपे हुए हैं। जासूसों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बच्चे की बुद्धि के लिए उसकी प्रशंसा की जाती है। उस रात कमांडर सगे को गोद लेने के कानूनी कागजात दिखाता है। वह अब आधिकारिक तौर पर बच्चे का पिता है। सगे को कात्या के लिए कमांडर की भावनाओं के बारे में पता है, इसलिए उसकी दया का बदला चुकाने के लिए वह उसे अपने प्यार को कबूल करने के लिए ले जाता है। लेकिन दोनों उसे एक अलग आदमी से बात करते हुए देखते हैं और मान लेते हैं कि वह किसी और में दिलचस्पी रखती है। बेस पर फिर से जर्मनों ने हमला किया है। इस बार सगे सैनिकों को गोला बारूद की आपूर्ति करके अपनी पूरी ताकत से सैनिकों की मदद करता है, लेकिन वहां के सैनिक उसे शेड में वापस जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि बाहर बहुत खतरा है। जब वह शेड में आता है, तो वह कमांडर और अन्य लोगों को घबराता हुआ देखता है, क्योंकि कर्नल के साथ फोन का कनेक्शन टूट गया है। टूटे तारों को ठीक करने के लिए एक सिपाही को भेजा जाता है। सगे सैनिक का पीछा करता है और देखता है कि वह बुरी तरह से घायल हो गया है। वह मरते हुए सैनिक से पूछता है कि वह तारों को कैसे ठीक कर सकता है, और खुद ठीक करता है। कनेक्शन वापस आता है और अधिक सैनिकों को बुलाया जाता है। 6 साल का बच्चा सबकी जान बचाता है। बाद में हम कमांडर और कात्या को नदी के किनारे बात करते हुए देखते हैं। कमांडर उसके लिए अपने प्यार को कबूल करता है और उसे सगे की माँ बनने के लिए कहता है। कात्या बहुत खुश है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, एक सैनिक उनके पास आता है और कमांडर को एक पत्र देता है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें नए बेस भेज दिया गया है। अगले दिन सभी सैनिक सगे के साथ अपने नए अड्डे के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में एक माइनफील्ड उनके कुछ वाहनों को उड़ा देता है। कमांडर को चोट लगी है। वह सैनिक जो सगे के करीबी थे विस्फोट में मर गए। वह रोता है और कमांडर को गले लगाता है। वे घायलों को अपने साथ ले जाते हैं और अपने नए बेस की यात्रा जारी रखते हैं। जब वे दूसरे बेस पर पहुंचते हैं, तो वे कमांडर के लीडर जनरल से मिलते हैं। वह भी बच्चे की महत्वाकांक्षा से प्रभावित होता है और कमांडर को इतना स्मार्ट बच्चे का पिता होने के लिए बधाई देता है। अगले दिन उनके डिवीजन को गार्ड के बैनर से सम्मानित किया जाता है और लड़के को भी। वह अपने देश को बचाने का वादा करता है जब जनरल उसे अपना बैच देता है। एक रात उनके बेस पर खतरनाक हमला किया जाता है और कमांडर मलबे के नीचे फंस जाता है। सगे अपने पिता के लिए रोता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। वह अन्य सैनिकों को बुलाता है जो कमांडर को बाहर निकालते हैं। अगले दिन सगे घायल कमांडर के पास जाता है। कमांडर को बचाने की कोशिश में उसके हाथ में चोट लग गई थी। बच्चा अब टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसके पास उसका कोई परिवार नहीं है और युद्ध में वे जहां भी जाते हैं उनके साथ जाता है। फिल्म समाप्त होती है। रेजिमेंट को दूसरे बेस में जाते हुए देखा जाता है। एक आवाज के द्वारा बताया जाता है कि उसने स्टालिनग्राद युद्ध में भी भाग लिया और सैनिकों के साथ पोलैंड पहुंचा। वह वर्तमान में दुनिया के सबसे कम उम्र के सैनिक के रूप में जाना जाता है और उसकी बहादुरी की कहानी पूरी दुनिया में सुनने के लिए फैली हुई है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।